आशुतोष शर्मा गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स के इम्पैक्ट प्लेयर आईपीएल डेब्यू कर रहे थे। आशुतोष जब क्रीज पर आए तो पंजाब की टीम को मैच जीतने के लिए 27 गेंदों में 50 रन चाहिए थे। उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारने का फैसला पंजाब के लिए सही साबित भी हुआ। पंजाब ने 3 विकेट से मैच जीता, लेकिन चर्चा में आए आशुतोष शर्मा। 18 वर्ष की उम्र में पहुंचे एकेडमी, 17 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलने वाले आशुतोष शर्मा के बारे में अब हर कोई पूछ रहा है। आशुतोष कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, तो आइए ज़रा आपको आशुतोष शर्मा के बारे में बताते हैं। आशुतोष मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले से हैं। उनकी क्रिकेट जर्नी 8 वर्ष की उम्र में शुरू हुई थी। वो क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए रतलाम से इंदौर स्थित मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की रेजिडेंशियल अकेडमी आ गए। अकेडमी आने के बाद आशुतोष का सफ़र काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा। वो ट्रेनिंग कैंप में जाते और अपने खाने के जुगाड़ के लिए मैचों में अंपायरिंग करते। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए आशुतोष ने बताया कि हमारा परिवार सीमित साधनों वाला था, इतने जल्दी सब कुछ अकेले करना कठिन था, लेकिन मैंने कभी भी अपने संघर्षों का असर अपने परिवार पर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो चिंतित हों। अंडर 19 क्रिकेट खेलने के दौरान आशुतोष जब कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपने आप से कहा कि वो घर के सभी काम खुद करेंगे बिना किसी की मदद के। आशुतोष का मानना था कि ऐसा करने से उनके जीवन में डिसिप्लिन आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। इसी फेज में 1 महीने के बाद उन्होंने 1 मैच में शतक लगाया, युवराज का रिकॉर्ड तोड़ा था। आशुतोष बचपन से रतलाम के क्रिकेटर नमन ओझा और सूर्य कुमार यादव को अपना आदर्श मानते आए हैं। 2019 में वो रेलवेज की टीम में शिफ्ट हो गए थे। आशुतोष कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो नमन भाई को खेलते हुए काफ़ी देखता था, इस तरह मुझे इस खेल से प्यार हो गया। मैंने नमन भाई की कप्तानी में एमपी के लिए अपना T20 डेब्यू किया था। 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 11 गेंदों में 50 मारी। उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा। आशुतोष कहते हैं कि पंजाब किंग्स के लिए चुने जाने के साथ साथ ये मेरे करियर का सबसे यादगार पल था। आशुतोष के पिता एक स्थानीय सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर हैं। उनके बड़े भाई अनिल ने हमेशा आशुतोष को क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में आशुतोष ने अपनी बैटिंग से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने 31 रन की पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। 7वें विकेट के लिए उन्होंने शशांक सिंह के साथ 43 रन की पार्टनरशिप की। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रशांत ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। मैं थी सुप्रिया, शुक्रिया।